सहारनपुर में पति के दीर्घायु की कामना को लेकर बृहस्पतिवार को मनाए जाने वाले करवा चौथ की पूर्व संध्या पर सुहागिन महिलाओं के सजने सवरने व खरीदारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते देर रात तक ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी व कपड़े की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई और बाजारों में विशेष उत्साह बनता दिखा। बृहस्पतिवार को पति की दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी, जिसके लिए उन्होंने आज पूरी तैयारियां की और जमकर खरीदारी की। आज सुबह से लेकर महिलाओं में व्रत को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है और विशेषकर गहने व कपड़ों की दुकानों पर भी महिलाओं की अधिक भीड़ देखने को मिली। देर रात तक खरीदारी व सजने संवरने का सिलसिला जारी था। मेरा नाम आकाश चौधरी है, फाइन एंड टेक्स सैलून का मैं ओनर हूँ। नहीं, दो साल के बाद जैसे कोरोना खत्म हुआ है तो दो साल के बाद बाजार में रौनक लौटी है। मार्केट बाजार में अब जो तो भीड़ है, व्यापारी भी खुश हैं। अगर रौनक भाई पब्लिक मार्केट में जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग ना करके व्यापारी से डायरेक्ट सामान खरीदें तो हर व्यापारी खुश होगा, और व्यापारी अगर खुश होगा तो हर किसी का बिजनेस चल पाएगा। अब जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग आई है ना, तो लोग कहाँ से खरीदें? जब जूते नहीं खरीदेंगे तो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे? जब कपड़ा नहीं बिकेगा तो जूते कहाँ से खरीदेंगे? जूते नहीं बिकेंगे तो सैलून कौन कैसे आएगा? इस बार आपने स्टॉल भी लगाया कर रहे, तो किस तरह की बाजार में रौनक देखने को मिलेगी? हाँ, दो साल बाद महीना है, बड़े उत्सव के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि दो साल तक तो कोरोना काल में रहे हैं, कोई मना नहीं पाया है, लेकिन इस बार मार्केट से लोग निकले हैं बाहर तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।